आपके अपने चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे एम्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम एग्ज़ाम 2021-22 की। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और एडमिट कार्ड की डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या आज देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। देखिए, ये नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शंस नोटिस 26 अक्टूबर 2021। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2021 एंड जनवरी 2022। ये दो तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल्स ऑफ पेमेंट एंड एग्जामिनेशंस, बाकी चीज़ों को डिटेल दी गई है। शेड्यूल फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एंड रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, इसके बारे में डिटेल्स में समझाया गया है। वेबसाइट वही है जहां पर आप सभी लोग विजिट करते हैं, www.aimsexams.ac.in। स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है अंडर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर लाइकली टू अपेयर फॉर एब मैंशन एग्जामिनेशन, अगर इनमें आप मैंशन से जो एग्ज़ाम किए गए हैं ऊपर उनमें अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और क्लिक ऑन द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर आप आगे कर सकते हैं। द एग्जामिनेशंस फी थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू देंगे। और यहाँ नेम ऑफ द कोर्सेस जो हैं कि ये जो कोर्सेस हैं इनमें अपेयर होने के लिए है, तो सेकेंड ईयर फॉर MBBS, फाइनल MBBS, MSc कोर्सेस, MSc नर्सिंग फेज टू, MD, MS, MDS, DM एंड, तो ये सारे के सारे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा वो 3 नवंबर से ओपन हो जाएगा और उसके बाद 15 नवंबर तक ये चलेगा। एडमिट कार्ड ने बताया कि क्लिक ऑन एडमिट कार्ड इंटर इनरोलमेंट नंबर जो आपको मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें एज वेल ही रहती हैं। तो ये एक फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम है और चीज़ें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर क्लियर कट एक्सप्लेन किया गया है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम अंडर द ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट्स में पास आउट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट में रनिंग में हैं उनके लिए ये है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो जो मतलब अभी इंट्री ही नहीं लिए हैं एम्स में उनके लिए नहीं है, जो एम्स में हैं उनके लिए है। तो ये क्लियर है, आप पूरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अगर छूट गया है तो ये हम बता दें, फॉर्म उनके लिए है जो एम्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए है, जो एम्स में भी नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के, छोटी बड़ी एम्स की जितनी भी अपडेट हैं सबके साथ मिलते हैं हम इस चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।